please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करने के मामले में चीन एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। चीन हर साल कृत्रिम तरीके से बारिश करता है, लेकिन इस बार चीन के अधिकारियों ने ऐलान किया है कि देश के 16 लाख वर्ग किलोमीटर हिस्से में आर्टिफिशियल तकनीक से बारिश की जाएगी। 16 लाख वर्ग किलोमीटर का मतलब स्पेन के कुल क्षेत्रफल का 3 गुना बड़ा हिस्सा। चीन की ये कोशिश दक्षिणी चीन की नदियों में पानी का स्तर बढ़ाने के लिए है, क्योंकि दक्षिणी चीन के ज्यादातर हिस्सों में लंबे वक्त से अकाल जैसे हालात हैं और लोगों को खेतीबाड़ी ही नहीं रोजमर्रा के कामों के लिए भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए चीन की कोशिश है कि तिब्बत के पठार पर मानसून के बादलों को बरसाया जाए। लेकिन भारत के लिए चीन की ये कोशिश चिंताएं बढ़ाने वाली हो सकती है, क्योंकि इससे भारत में आने वाली नदियों में पानी का स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बन सकता है। तिब्बत के पठार से ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदियां निकलती हैं जो भारत में आती हैं। सतलुज और सिंधु जम्मू कश्मीर की तरफ जाती हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है। अगर इन नदियों में जलस्तर बढ़ा तो भारत के उत्तर पूर्व और पूर्व के राज्यों में ही नहीं जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। हालांकि भारत के वैज्ञानिक इस तरह के दावों से सहमत नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चीन की इस कोशिश से भारत पर कोई असर नहीं होगा। चीन अपनी इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए सेना की एक टुकड़ी को तैनात कर चुका है। कृत्रिम तरीके से बारिश करने के लिए 500 खास मशीनें तैनात कर दी गई हैं। चीन पिछले 5 साल से आर्टिफिशियल बारिश की तकनीक का इस्तेमाल हर साल कर रहा है, लेकिन इतने बड़े हिस्से में बादलों को बरसाने की कोशिश इससे पहले कभी नहीं की गई। बिहार के मोतिहारी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रियों के साथ महात्मा गांधी की एक बड़ी सी मूर्ति पर फूल चढ़ाते नजर आए। प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरा होने के मौके पर चंपारण पहुंचे, जहां उन्होंने ऐतिहासिक गांधी मैदान में सबसे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर उन्हें याद किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में 10 स्वच्छाग्रहियों को बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया। मैं चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर जो कार्यक्रम हो रहे थे उनके समापन का भी ये समय है, लेकिन समापन से ज्यादा ये शुरुआत है स्वच्छता के प्रति हमारे आग्रह को और ज्यादा बढ़ाने की। लगे हाथ प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान के तहत एक हफ्ते में बिहार के अंदर 8 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाने की तारीफ की। पिछले एक हफ्ते में बिहार में 8,50,000 से ज्यादा शौचालय बनाने का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया है। सत्याग्रह शताब्दी समापन समारोह में देश भर से 20,000 से ज्यादा स्वच्छाग्रही पहुंचे थे, जिनके काम की भी तारीफ प्रधानमंत्री ने की। साथ ही उन्होंने स्वच्छता अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले केंद्र सरकार के अधिकारी परमेश्वर जी अय्यर का जिक्र भी अपने भाषण में किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने बगैर नाम लिए उनकी सरकार पर सवाल उठाने वालों को भी निशाने पर लिया। उन्हें लगता है कि गरीब अगर मजबूत हो गया तो वो झूठ नहीं बोल पाएंगे, उसे बहका नहीं पाएंगे, इसलिए सड़क से लेकर संसद तक सरकार के राम में नाकाम के अंदर रोड़े अटकाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने दलित समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की जयंती बड़े पैमाने पर मनाने और आम्बेडकर की जयंती के मौके पर ग्राम स्वराज अभियान शुरू करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार 14 अप्रैल से ग्राम स्वराज अभियान भी शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सवाल ये है कि सरकार के इस कदम से प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान कितनी तेजी पकड़ेगा। जरूरी है कि देश के दूर दराज के इलाकों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। पीएम की इस कोशिश का असर भी दिखाई दिया।